नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज़। बिलारी तहसील के सोनकपुर में रेलवे के अंडर ब्रिज में बरसात से पानी भरने के कारण हुआ बड़ा हादसा, गई व्यक्ति की जान। गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने किया रोड जाम तथा रोकी ट्रेन। मामला जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी का है, जहां सोनकपुर गांव में रेलवे हाल्ट है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बना हुआ है। आज बगी गांव निवासी ब्रजेश जो दिव्यांग था, बूढ़ावास अपने मामा के घर जा रहा था, जिसके लिए सोनकपुर में बने रेलवे अंडर ब्रिज को पास करना था, लेकिन अंडर ब्रिज में बरसात के पानी के कारण सही से अनुमान ना लगाने पर वह अपनी ट्राई साइकिल से पार करने लगा तो अधिक पानी होने के कारण वह डूब गया। इतने राहगीर को पता चला और आनफान पानी से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाते समय पानी में डूबने के कारण ब्रजेश की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर SDM बिलारी अजय कुमार गौतम तथा संबंधित थाने व चौकी की पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची, जहां गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया तथा ट्रेन को रोका गया। यहां रेलवे की RPF पुलिस भी तैनात रही। मौके पर पहुंचे किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने SDM बिलारी से वार्ता कर कहा कि रेलवे ने कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए जिससे कि यह पानी की समस्या को खत्म किया जा सके। बामुश्किल अधिकारियों के आश्वासन पर परिजन व ग्रामीण सड़क से हटे तथा रास्ते को खाली किया गया। आपको बता दें, अगर बनाए गए अंडर ब्रिजों में निकासी लिए कोई रास्ता बना दिया जाए तो यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जब भी बारिश होती है तो ग्रामीणों का रास्ता महीनों तक बंद रहता है। यह दिक्कत किसी एक ब्रिज की नहीं है, बल्कि सोनकपुर से लेकर बिलारी के नगलिया अंडर ब्रिज तक दर्जनों रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए गए पुलों पर हो रही है, लेकिन शिकायतों के बाद भी रेलवे की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। समस्या जस की तस है और आज इसी समस्या के कारण एक दिव्यांग युवक की रेलवे द्वारा बनाए गए अंडर ब्रिज में बरसात के पानी में डूबने से मौत हो गई। कोई बात नहीं, बना दिया अब इसके बराबर में बाईपास है। ये रास्ता कम से कम 11 गांव का, ट्राली निकलने निकलती है 60 का बजे देकर, पूरे 11 गांव का रास्ता है। उन्होंने बंद कर दिया उस वक्त, कमल बहुत तेज है, लेकिन ये जो रेल लाइन है इसको कमल चेंज किया। रेल लाइन है ये, कई साल से नहीं बंद, उसके बावजूद भी जबरदस्ती फोर्स नहीं कर हवा भी बताओ, वहाँ दीवार लगा दी। यहाँ रेलवे वालों कहा था कि हमारे लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा आपको बरसात, हम देते हैं आप जैसे पानी कहा कौन बात भी आगे जिम्मेदारी लेगा। आइए, ये सवाल है इलाके का, कहने के बावजूद रेलवे ने और SDM ने कहा रेलवे वालों से व्हाइट टीम से पुराने पानी गलत कर रहे हैं आप, DRF से कहा गलत कर रहे हैं आप, रेलवे का हिंदुस्तान का बोल रहा है कुछ भी करेगा आगे, लोग मारा है क्या? हमारे दो सवाल है, एक मतलब तो खुल गया लेकर आता हूँ, ये बना इसकी कोई जिम्मेदारी आगे रेलवे के यार ऐसा सोच क्या हो रहा है। जो सर इसके क्षेत्रीय अधिकारी OP सर, मैं इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से MLA लड़ा हूँ, मैं उनसे बरकरार डेली बात कर रहा हूँ 4 दिन से। मैंने उनसे कहा तो कल OP शर्मा जी का क्या कहना कि भाई हम क्या करें, अभी तक उन्होंने लेवल नहीं भेजी। अब एक्चुअल सवाल ये है,
बाबा देखो।